बड़ी खबर बिहार से आपको बता देती हूं। अररिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। दैनिक अखबार की रिपोर्टर जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो जानकारी मिल रही है, बदमाशों ने बाकायदा घर के दरवाजे पर पहुंचकर पत्रकार को गोली मारी। दरअसल एक हत्याकांड का मामला था जिसमें पत्रकार गवाह थे। पत्रकार का नाम विमल कुमार, और इसी के चक्कर में जो बदमाश थे वो उनके घर पर गए, दरवाजा खटखटाया और घर जाकर पत्रकार को गोली मार दी। बिहार के अररिया की ये वारदात है, और इसके बाद आप देख सकते हैं परिवार के लोग हैं, उनका रोना बिलखना। सवाल ये कि आखिरकार बिहार में ये कैसा राज है कि बदमाश बेखौफ हैं। हौसला देखिए आप बदमाशों का, कि घर पर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और घर पहुंचकर एक तरीके से सरेआम पत्रकार को गोली मार देते हैं। अररिया में पत्रकार की हत्या के बाद अब हड़कंप है। इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार क्या एक्शन लिया जाता है उन बदमाशों पर जिन्होंने यूं घर में दाखिल होकर पत्रकार को गोली मार दी। पत्रकार का नाम विमल कुमार, दैनिक अखबार के रिपोर्टर विमल कुमार एक हत्याकांड के मामले में गवाह थे विमल कुमार, और इसी चक्कर में उनकी जान ले ली गई। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। प्रकाश, एक्शन इस मामले में अभी तक क्या लिया गया है, पहचान हो पाई है क्या बदमाशों की, कौन थे जिन्होंने पत्रकार को गोली मारी? देखिए, एक पुराना मामला था जिसमें इनके भाई की हत्या हो गई थी, सरपंच भाई की, और उसी में यह मुख्य गवाह खुद बना हुआ था, और इस पर लगातार दबाव दिए जा रहे थे कि ये गवाही ना दे और गवाही में पेश ना हो, और इस बात को लेकर धमकी दी जा रही थी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। उस बात पर दोनों पक्ष के बीच में विवाद चल रहा था, जिसने पहले गोली मारी थी इनके भाई को, और इसी सिलसिले में बताया जा रहा है कि ये हत्या हुई। तो जाहिर है कि जो हत्यारे हैं उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त पहले से ही थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि पत्रकार ने क्या पुलिस के सामने अपनी सुरक्षा, क्योंकि वो मुख्य गवाह था, ये गुहार लगाई थी या नहीं। अगर ऐसी बात वो आती है तो साफ हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठेंगे। बिल्कुल, देखिए एक पत्रकार की हत्या वाली ये वारदात जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।